तो दोस्तों अभी आ गए हैं शिवगंगा, और अभी आप देखिए मेरे पीछे यह शिवगंगा आपको दिखाई पड़ रहा है। शिवगंगा में भी पानी उतना नहीं भरा है, लेकिन पहले जो इसमें सूखा हुआ था ना उसको भर दिया गया है पहले के मुकाबले। अभी आपको हम दिखाने का कोशिश करते हैं कि शिवगंगा में पानी जो भर रहा है उसमें किस चीज़ का भर रहा है, कहाँ का पानी आ रहा है। देखिए आपको सामने दिखाते हैं, देखिए वो जो मोटरसाइकिल रखा हुआ है ना बाइक, देखिए जो प्लास्टर किया हुआ है वहीं पर बोरिंग किया गया है, और उसी बोरिंग में यहाँ पर पाइप जोड़ा गया है। देखिए आप यही पाइप, और इसी पाइप के जरिए अभी पानी शिवगंगा में जा रहा है। आपको वहाँ सामने भी दिखाते हैं, चलिए देखिए अभी शिवगंगा में पानी उतना भरा नहीं है, लेकिन फिर भी पानी इसमें भरा जा रहा है, क्योंकि मेला अभी सामने नज़दीक है ना, तो कांवड़ियों को और यात्रीगण को नहाने के लिए दिक्कत ना हो उस हिसाब से पानी को डाला जा रहा है इसमें। आप देख सकते हैं पहले जो इसमें सूखा था, और बारिश भी हुआ है तो बारिश का पानी भी इसमें गया है बहुत। अब देखिए अभी, और यहाँ पर पानी का सिस्टम इस पर जोड़ा गया यहाँ से, और यही पानी देखिए यही पाइप के थ्रू पानी निकल रहा है अभी, और इसी पाइप के जरिए पानी को इसमें ये पानी शिवगंगा में सीधे जा रहा है। दो तीन बोरिंग इसमें किया गया, साइड में डीप बोरिंग किया गया, और डीप बोरिंग के जरिए पानी को आ रहे हैं। देखिए यहाँ पानी वहाँ गिर रहा है नीचे, देखिए पानी वहाँ गिर रहा है, और यही पानी शिवगंगा में डाला जा रहा है। यहाँ पर एक चौबच्चा बनाया गया है, इधर भी एक पाइपलाइन जोड़ा गया है, और इसी सीढ़ी के जरिए आप देख पा रहे हैं पानी इसमें जा रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पर तीन चार बोरिंग किया गया है, वहाँ पर भी एक पाइपलाइन जोड़ा गया है, सामने आप देख पा रहे हैं, देखिए एक पाइपलाइन वहाँ भी जोड़ा गया है, इधर से भी पानी डाल रहा है, उधर से भी पानी डाला जा रहा है, चारों तरफ से पानी को डाला जा रहा है। और मेला अभी नज़दीक है, इसीलिए मेला को देखते हुए कांवड़ियों को जो पानी डालने का सुविधा रहता है ना शिवगंगा में नहाने के लिए, फिर या मंदिर में बाबा का दर्शन करने के लिए, उस हिसाब से इसको बनाया गया है, अभी डिजाइन किया गया है इसको, इसमें कांवड़ियों को लाइन लाइन बाय लाइन इसमें खड़ा किया जाएगा इसमें कतारबद्ध, ताकि विधि व्यवस्था बने रहे। और आपको हम सामने उधर दिखाते हैं, चलिए तो दोस्तों अभी मेला सामने है, तो सारा लोग अभी माल भर रहे हैं अपना अपना, पानी ठंडा जो भी है वो पानी ठंडा सबको डाल रहे हैं। देखिए यहाँ भी एक बोरिंग किया गया है, और इस बोरिंग के जरिए पानी को डाला जा रहा है, ये पाइपलाइन यहाँ से सीधे जोड़ा गया है, ये दिन रात चलते रहता है ऑटोमेटिक, इसमें पानी को भरने के लिए, शिवगंगा को भरने के लिए अभी इसको चालू करके रख दिया गया है, ताकि पानी भर सके इसमें। बहुत बड़ा शिवगंगा ना ये, तो इसमें भरने में भी टाइम लगता है। यही तो मंदिर का द्वार है, इस शिवगंगा से सीधे आपको मंदिर का द्वार यहाँ पर सामने नजर आएगा, और इधर फूल का दुकान है, प्रसाद का भी यहाँ पर दुकान लगाया गया है, और नज़दीक में आप देख सकते हैं कि कितना लोग यहाँ पर आए हैं अभी पूजा करने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए। और दुकान आज पानी पड़ा है ना, इसीलिए भीड़ भाड़ थोड़ा कम है, मौसम बढ़िया रहने से फिर आदमी का यहाँ पर जमावड़ा रहता है, यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है। देखिए यहाँ पर जो बोरिंग किया गया है, ये बोरिंग यहाँ से पानी को इसको पाइपलाइन से जोड़ा गया है, और यही पाइपलाइन से पानी यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है, शिवगंगा में डाला जा रहा है। आपको वहाँ पर भी ले चलते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, देखिए वहाँ पर दो को पाइपलाइन जोड़ा गया है सामने में, देख रहे हैं टैटू बनाने वाला है, टैटू बना रहे हैं हाथ में, आपको जिस चीज़ का टैटू बनाना है वो टैटू आपको बना देगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये टैटू बना रहा है हाथ में, कैसे बनाते हैं टैटू को? जैसा डिजाइन वैसा नाम है। अच्छा, 20 रुपया अक्षर नाम है, अक्षर का वही नाम लगेगा डिजाइन में, फिर अगर ज़्यादा डिजाइन करना है तो उसका रेट अलग होता है क्या? जी, रंगीन का अलग होता है।
और ब्लैक का कम पड़ता है 20 रुपया करके ही 20 रुपया अक्सर पड़ता है। अच्छा, मेहंदी का भी सारा आइटम रखा है, लेकिन ये जो ये लेजर लाइट से बनता है कि गोदना है, लेजर वाला है क्या? हाँ। देखिए तरह तरह का डिजाइन इसमें लगाया गया है, आपको जिस डिजाइन में बनाना होता है आप उसी डिजाइन में बना सकते हैं। बहुत तरह का डिजाइन इसमें दिया गया है, इसका 20 रुपया पर अक्षर चार्ज है इसका है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर शिवगंगा इतना बड़ा है और इसमें चौकी इसमें लगाया गया है, इस समय पंडा लोग बैठते हैं और अभी पानी इसमें पूरा भरा नहीं है, जमीन दिख रहा है कहीं कहीं, पता लगा अच्छा था वो तो जब गया है वहाँ पर, अब मांस जो दिख रहा है सामने वहाँ पताल बाबा था और अभी शायद लाइन है, पानी भी इसमें आ रहा है बराबर ही, बराबर पानी आ रहा है, देखिए यही पानी इसमें डाला जा रहा है, अभी लाइन चला गया नहीं तो पानी इसमें बराबर निकलता था। इसको पानी को डालने के लिए इसको व्यवस्था किया गया इस तरह, वो बड़ा बड़ा पाइपलाइन उसमें टंकी का पानी आता है और इसमें बोरिंग का पानी। तो देखिए अभी हम आए हैं बासुकीनाथ और बासुकीनाथ का इस पट्टी में मेला लगने वाला है, पहले उस पट्टी में मेला लगता था रोड के उस पार, लेकिन अभी उस भीड़ भाड़ के चलते भीड़ भाड़ को देखते हुए मेला को इस पार शिफ्ट किया गया और अभी आप देख पा रहे हैं कि पीछे मेरा पीछे कितना बड़ा बड़ा पंडाल बनाया गया है और इस सब में पुलिस को ठहरने के लिए और फिर इधर भी दुकान वकान लगता है, सारा चीज़ इधर लगता है। मेला जब लगेगा ना इसमें तो पूरा भीड़ भाड़ रहता है, जितना भी गाड़ी पार्किंग वार्किंग करने के लिए इधर व्यवस्था किया गया है और पीने का पानी भी इधर सामने आप देख पा रहे हैं, पीने का पानी का व्यवस्था यहाँ पर पंडाल बनाया जाता है और इस साइड में जो आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा पंडाल इसमें चदरा के द्वारा बनाया गया है, इस सब में यात्री को ठहरने के लिए और जितना भी कांवरिये लोग होते हैं ना वो रात्रि विश्राम करने के लिए फिर थक उग जाते हैं, जो कांवरिये पैदल चलते हैं, जो गाड़ी से आते हैं, पानी का दिन है, वर्षा का दिन है, उसको ठहरने के लिए रुकने के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। इसमें मनोरंजन का भी सारा व्यवस्था किया जाता है, नाच गान, बाहर से भी कलाकार आते हैं, लोकल कलाकार भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं सामने। यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा पंडाल बनाया गया है, इसमें लेटरिन बाथरूम जो भी रहता है, बेड का सुविधा सारा इसमें, बिजली का व्यवस्था सारा चीज़ किया जाता है इसमें। तब जब इसमें मेला लगता है ना देखने वाला बात रहता है, इसमें पूरा भीड़ भाड़ रहता है ये रोड और इधर बगल में आप जितना भी इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री जो देख रहे हैं घर का, इस समय गाड़ी पार्किंग करने के लिए निजी पार्किंग रहता है इसमें, ये सब प्राइवेट पार्किंग रहता है, ये सब जितना भी है ये सब प्राइवेट पार्किंग है। मेला लगता है इस समय सारा चीज़ इधर, दुकान वकान लग जाता है इधर साइड में और फिर पानी का व्यवस्था, बिजली व्यवस्था सारा इसमें दुरुस्त किया जा रहा है। अभी मेला थोड़ा दिन अभी टाइम है और तो आपको चलिए मंदिर की ओर ले जाते हैं अभी।